हेलो दोस्तों, आप देखते हैं ट्रायग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, ट्रायग्नोमेट्रिक फंक्शन का नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। दिया है, सिद्ध कीजिए कि साइन थीटा प्लस फाइव या पांच साइन थीटा इंटू कॉस फाइव इक्वल टू कॉस थीटा इंटू टेन फाइव प्लस वन। ठीक है, इसे हमें सिद्ध करना है, तो सिद्ध करेंगे सॉल्व। देखिए पहले से सॉल्व कैसे करेंगे, हमें लेफ्ट हैंड साइड से, ठीक है, ये लेफ्ट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड है, हमें लेफ्ट हैंड साइड से सॉल्व करना है। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड से। ठीक है, अब इसमें देखिए साइन थीटा प्लस फाइव सीधा दिख रहा है ना, इसे फार्मूला लगाते हैं, क्या साइन ए प्लस बी का, साइन ए प्लस बी फार्मूला क्या होता है, साइन ए प्लस बी का होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। इसी मॉडल में हम रखेंगे साइन थीटा प्लस फाइव। ठीक है, फार्मूला रखते हैं, क्या हो जाएगा, साइन थीटा इंटू कॉस फाइव प्लस कॉस थीटा इंटू साइन फाइव अपान कितना हो जाएगा, साइन थीटा इंटू कॉस फाइव। ठीक है, हो गया। अब देखिए इसे हम अलग अलग तोड़ सकते हैं ना, इसे अलग अलग तोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा, साइन थीटा इंटू कॉस फाइव अपान साइन थीटा इंटू कॉस फाइव प्लस कॉस थीटा इंटू साइन फाइव अपान साइन थीटा इंटू कॉस फाइव हो जाएगा। अब इसमें देखिए कुछ कटेगा, साइन साइन कट गया, ठीक है, कॉस से कॉस फाइव से कॉस फाइव कैंसिल हो गया, ये कॉस फाइव से कॉस फाइव साइन थीटा यहाँ क्या बचेगा, वन बचेगा, वन प्लस, अब यहाँ देखिए कॉस थीटा इंटू साइन फाइव हमें क्या लाना है, कॉट लेना है, कॉस बटे साइन होना चाहिए, कॉस बटे साइन, कॉस थीटा बटे साइन, इसे लिख सकते हैं क्या, कॉस थीटा अपान साइन थीटा इंटू साइन फाइव अपान कॉस फाइव, तो वन प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा हो जाएगा कॉट थीटा इंटू साइन थीटा अपान कॉस थीटा हो जाएगा टेन फाइव, ये आपका रूट हो गया। ठीक, ये वन प्लस कॉस थीटा इंटू टेन फाइव या कॉट थीटा प्लस टेन फाइव या प्लस वन। ठीक है, सिंपल दोस्तों। अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, देखते हैं ट्रायग्नोमेट्रिक फंक्शन का, सिद्ध कीजिएगा क्या है, साइन ए प्लस कॉस ए वन कोष्टक में, सेकेंड कोष्टक में है सेक ए प्लस कॉस ए के इक्वल टू, सिद्ध करना है टू प्लस सेक ए इंटू कॉस ए के, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड या राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड को सिद्ध करना है। ठीक है, हम देखते हैं सॉल्व, हम लेफ्ट हैंड साइड से, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे राइट हैंड साइड आएगा। ठीक है, इस प्रकार इस मॉडल के क्वेश्चन को हम क्या इसे सॉल्व करेंगे, देखिए जो भी साइन और कॉस है सेक कॉसेक टैन कॉट, ठीक है, किसी में रहे तो उसको सबसे पहले चेंज करते हैं साइन बटा उस साइन या कॉस में चेंज करते हैं। ठीक है, इसको हम सेक और कॉस को चेंज कर देंगे साइन और कॉस में, साइन और कॉस को है ऐसे रहे तो इसे रहने दीजिए, साइन ए प्लस कॉस ए एक कोष्टक में, अगले कोष्टक में सेक एक को क्या लिख सकते हैं, वन बटे कॉस ए ना, तो वन बटे कॉस ए प्लस कॉस ए को क्या लिख सकते हैं, वन बटे साइन ए, तो वन बटे साइन ए। ठीक है, साइन ए प्लस कॉस ए, अब इसे क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, सॉल्व करते हैं, क्या हो जाएगा, साइन ए प्लस कॉस ए अपान कॉस ए इंटू साइन ए हो जाएगा। अब इसको क्या है, दोनों को एक मल्टीप्लाई ना, मल्टीप्लाई में क्या होता है ऊपर ऊपर गुणा हो जाता है। ठीक है, इसे मल्टीप्लाई कर देंगे क्या हो जाएगा, साइन ए प्लस कॉस ए, साइन ए प्लस कॉस ए होल स्क्वायर हो जाएगा ना, साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर अपान कॉस ए इंटू साइन ए। ठीक, अब साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर को तोड़ दीजिए ए स्क्वायर प्लस बी के स्क्वायर में, ए स्क्वायर मतलब ए प्लस बी के होल स्क्वायर में, इसे तोड़ेंगे क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस टू साइन ए इंटू कॉस ए कुल कबट्टे
कॉस ए इंटू साइन ए। अब देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू क्या हो जाता है, वन हो जाता है ना। तब इसे हम लिखेंगे वन प्लस टू साइन ए इंटू कॉस ए, ठीक है। अब क्या करेंगे अपान कॉस ए इंटू साइन ए। अब दोनों का क्या अलग अलग कर दीजिए, इसे कर देंगे वन अपान कॉस ए इंटू साइन ए प्लस टू साइन ए इंटू कॉस ए अपान कॉस ए इंटू साइन ए। देखिए वन बटे कॉस ए, इसे मैं अलग अलग लिख सकते हैं ना, वन क्रॉस वन लिख सकते हैं, वन क्रॉस वन। तो वन बटे कॉस ए क्या हो जाता है, सेक हो जाता है ना, इसे लिख सकते हैं सेक ए। वन अपॉन साइन ए क्या लिख सकते हैं, कॉस ए के, इसे लिख देंगे कॉस ए के प्लस। ये देखिए कॉस से कॉस कैंसिल, साइन से साइन कैंसिल, क्या बचा टू बचा। अब इसे सही रूप से लिख दीजिए टू प्लस sec a into cos a, ये आपका आ गया। देखिए 2 plus sec a into cos a, मतलब means लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये आपका प्रूव हो गया।